और जिसमें दो जगह कार्यक्रम सम्मिलित होने का निमंत्रण है और इसे हलवा समाज के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नीला भेड़िया जी और अमरजीत जी भी मेरे साथ जा रहे हैं। 1857 के गदर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके पहले 1824 में ही हमारे छत्तीसगढ़ में परलकोट के जो राजा गैन सिंह थे उसको अंग्रेजों ने उसके महल के सामने ही उनको फांसी दे दी गई थी। उसकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की विशेष भूमिका रही है, इस बात का गौरव हम सबको है। दूसरा जो विषय है, अभी धान खरीदी लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लगभग करीब 17.5 लाख 18 लाख किसान धान बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है, वो नेता आंदोलन करे जो धान नहीं बेच पाए हैं। जो धान बेच भी लिए हैं और पूरी राशि प्राप्त कर लिए हैं तो मैं नहीं समझता कि नैतिकता के नाते उनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात सब कर रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी हो रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान खरीदी की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी, सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे? यदि उसको बेच दिए होते अब बता दे आय कैसे दुगुना होता है बिना समर्थन मूल्य के, तो फिर उसको देश में भी कहते बनता है उनको कि देखिए हमने शासकीय मंडियों में नहीं बेचा, हम निजी हाथों में बेचे, जो पैन कार्डधारी उसको बेचा और हमारे आय दुगुना हो गया, ये बताते तो समझ आता। लेकिन अब जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच चुके हैं, रमन सिंह से लेकर सारे लोग, तो फिर इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। केवल वो पुरंदेश्वरी देवी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि 15 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने धान बेचा है, समर्थन मूल्य की राशि ली है, तो पहले उसकी जानकारी दे दे कि 15 साल तक कितना समय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरुआत ही हमने की, छत्तीसगढ़ राज्य बना और समर्थन मूल्य धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। FCI में चावल जब नहीं ले रहे थे तो पूरे मंत्रिमंडल दिल्ली हम सब गए थे, हम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी विरोध कर रहे थे और आज भी उस बात का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बताया कि यदि ये समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं करें उसके बाद भी आय दुगुना कैसे होगा, और फिर यदि उनको अपने योजना के अंदर भारत सरकार की योजनाओं पर विश्वास था तो फिर वो सोसाइटियों में जाकर धान क्यों बेचे? सवाल इस बात का है, यदि केंद्र कानून ठीक है तो यहाँ उनको धान नहीं बेचना था। यदि धान बेचे हैं इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। बारदाने की कमी की बात कर रहे हैं, बारदाने की कमी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना धान खरीदी हुआ था उससे ज्यादा धान खरीदी हम कर चुके हैं। जितने किसान उनके शासनकाल में बेचते थे धान उससे ज्यादा किसानों का धान हम खरीद चुके हैं। हमारी यह व्यवस्था है, हमने जहाँ सोसाइटियों की संख्या 1.5 गुना किया उसी प्रकार धान खरीदी केंद्र की संख्या भी 1/4 हमने बढ़ाई और इसके कारण से कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है और सारे जगह सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी हो रहा है, ये बात सही है। केंद्र सरकार 1,45,000 बारदाना हमको दे दिए होते तो आज धान खरीदी में हमको किसानों से बारदाने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस बारदाने से हम किसानों को धान खरीद सकते थे। लेकिन बार बार केंद्र सरकार हमको हमारे साथ छल कर रहा है, हमको धोखा दे रहे हैं और अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। जब 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की सहमति आपने दी तो फिर अभी तक के 24 लाख टन ही FCI में जमा करने की अनुमति क्यों आपने दिया? पूरा 60 लाख का देना था, आप बार बार अड़ंगा डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आज 35वां स्थापना दिवस और इसे माननीय मोतीलाल वोरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने आज ही के दिन 1887 में 1987 में तत्कालीन
मुख्यमंत्री माननीय मोतीलाल वोरा जी ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज 35वीं उसके वर्षगांठ के अवसर पर लगभग 111 करोड़ के निर्माण कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है, जिसमें अनेक महाविद्यालय भी और कृषि अनुसंधान केंद्र उसमें निर्माण भी किए गए हैं, कुछ खोले जाने हैं, उनकी सब आज कार्यक्रम हुआ। सीएम साहब, दो दिन पहले नक्सली जो सरेंडर किए आए हुए थे, उनको पुनर्वास योजना के तहत नौकरी नहीं दी गई, राशि नहीं दी गई। उन्होंने ऐलान किया 15 फरवरी से नई राजधानी में डेरा डालेंगे सैकड़ों की संख्या में, उसको लेकर क्या तैयारी है, उसके बारे में जानकारी लेता। सर, केंद्र सरकार जो है दूसरे देशों को वैक्सीन दे रही है, लेकिन 1 करोड़ वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की है, इसको कैसे देख रहे हैं आप, बाहर के देशों को दे रहे हैं? देखिए, वैक्सीन आया है, अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। 3 करोड़ लोगों को ही लगाने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ में भी जो फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उसको पहली प्राथमिकता के आधार पे वैक्सीन देने की बात थी, लेकिन अभी तक के 60% भी लक्ष्य है उसको हासिल नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की जो सूची में नाम थे वो लोग भी जाकर वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, तो ये अभी अध्ययन करने की बात है। और सवाल इस बात का है, जब देश में 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें केवल 3 करोड़ को भारत सरकार दे रही, बचत 127 करोड़ लोगों का क्या होगा, इसके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। बस्तर से एक और मांग आ रही है, जागरूकता कमी नहीं, अब इसको तो अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें जागरूकता कमी है कि विश्वास में कमी है, ये तो पहले देखना पड़ेगा। बस्तर से मांग रही है।